أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انتقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني لما تحب ربنا وترضى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى اولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنه الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم قوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم लदांद तबारक व ताली ने, ने इंसान के ऊपर माह रमज़ान में रोज़ों को फर्श किया है जिस तरीक़े से उम्म मोहम्मदी से पहले वाले उमतों के ऊपर भी रोज़ फ़र्श किए गए थे और रोज़ फ़र्श करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ख़ुदा के हजूर में तकवा अख्तियार कर सके और पर बंदा बन सके ये जो रोज़े ख़ुदांद तबारक को ताला की तरफ से फ़र्ज किए गए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदी के ऊपर फ़र्ज नहीं किए गए हैं बल्कि उससे पहले भी दीगर अनबिया की अमतों के ऊपर फ़र्ज किए गए थे जिस तरीक़े से हज़रत इब्राहिम पैगम्बर की उम्म जनाब मौ सलाम की अमत जनाब ईसा आल्लाम की अमत ये जो किताबें स्वत तौरात इंजील की शक्ल में मौजूद हैं इन किताबों के अंदर भी तस्करा हुआ है सबका उम्मतों के ऊपर रोज़े फर्श किए जाने का लेकिन फ़र्क ये है कि उम्म मोहम्मदी के ऊपर जो रोज़े फ़र्श किए गए हैं सिर्फ़ माह रमजान मुबारक में ये रोज़े फर्श किए गए हैं जबकि पहले वाले उम्मतों के ऊपर तीन तीन महीनों के रोज़ फरेश होते थे और सख्तियाँ भी उनकी नस्बत से ज़्यादा होती थी लेकिन चूँकि खुदांद तबारक व ताली के हबीब ने महराज में जा के खुदांद तबारक व ताल से अपनी उम्म के लिए बहुत कुछ बख्शवाया है उनमें से जो सबका उम्मतों के ऊपर इक्यावन रकात नमाज फ़रस होती थी लेकिन उसमें से तीसरा हिस्सा सत्रह रकातें खुदा वंद तबारक व ताली से ली है अपनी उम्म के लिए बाकी दो शगम बख्शवाया है इसी तरह रोज़े तीन महीने के रोज़े फरश होते थे लेकिन हमारे नबी ने एक महीना के अलावा बाकी उनको बख्शवाया है इसी तरीके से सबका उम्मतों के पैरोकारान अगर कोई गुनाह करते थे तो उनके दरवाज़े पे लिखा जाता था कि आज फला बंदे ने इस तरह गुनाह की है और फिर उनका तोबा भी बहुत मुश्किल होता था लेकिन हमारे नबी ने महराज में जाके के ख़ुदांद तबारक व ताल से जो अपने उम्मत के लिए बख्शवाया है उनमें से एक यहीं कि अगर कोई बंदा उम्मत मोहम्मदी में से गुनाह करे तो रिवायत के मुताबिक कई मुद्दत तक तीन घंटे या तीन दिनों तक गुनाह नहीं लिख दिया जाता है ताकि ये बंदे तोबा इस कर लें अगर तोबा इस करने में गफलत कर ले तो फिर खुदांद तबारक व तौने यहाँ तक तोबे का दरवाज़ा खोल दिया खुलिया खुलआल्दीन आमनों खुदांद तबारक ताला ने मख्तलफ आयात खुदाबंदी के अंदर बंदों को तोबे की तरफ हिदायत फ़रमाई है कि या इबादी अशरफ अन्फैन तकमतर यकफरद्दनो बजमियाँ अगर कोई बंद अपने ऊपर गुनाह की वजह से जुलम करे इसराफ से काम ले तो खुदांद तबारक व ताला कहता है कि मेरे रहमत से मायूस मत होना तो बकर के देख लो मैं तुम्हें बख्श देता हूँ तुम्हारे सब के सब गुनाहों को बख्श दूँगा तो इन्हीं में से जो खुदा ने उम्मत के लिए जो रियायतें ली हैं खुदांद तबारक वाली से अगर उम्मत मोहम्मदी में से कोई नेकी का कोई काम सर अजाम दे तो उसके लिए खुदा की तरफ से दस गुना अजर व शव का अजर लिख दिया जाता है और फिर अगर कोई निकी तो नहीं कर सकता लेकिन निकी का इरादा भी कर ले तो फिर उस निकी की इरादा करने पे एक दर्जा उससे वाब मिलता है और अगर कोई इंसान गुनाह का इरादा कर लेता है तो उस गुनाह के इरादा करने पर कोई गुनाह और सज़ा नहीं लिख दिया जाता है जबकि गुनाह के मरतकब होने पर हर गुनाह के लिए एक ही सज़ा खुदा खुदांद तबारक वाली ने मुकर किए हैं और इंसान बहुत सारी निकियाँ बजा लाने की वजह से भी गुनाहों की बख्शिश होती है जिस तरीके से नल हसनाद युद्हिबन सयात की निकियाँ बुराइयों को खा जाती हैं तो ये रसूल खुदा ने अपने उम्म के लिए खुदांद तबारक व ताल से बख्शवा के और रियातें ली हैं तो उनमें से एक रोज़ा है जिस रोज़े के बहुत सारे फायदे हैं एक फायदा तो खुद खुदा ख़ुदांद तबारक व ताल बयान किया लाकुम तक आप मत परहेजगार बन जाओगे और दीगर छः फायदे जो कल आपकी खदमत में बयान हुए रोज़ा रखने की वजह से इंसान का दिल नूरानी हो जाता है रोज़ा रखने की वजह से इंसान के अंदर एक अजस इनकसारी औरज़ु की कैफियत पैदा होती है रोज़ा रखने की वजह से इंसान जो है अपने अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ शहवतों को कमी का महसूस कर लेता है जिनसी ख्वाहिहिश खाने पीने की ख्वाहिश या दीगर जितनी ख्वाहिशा हैं इन ख्वाहिशा जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती हैं उन में कमी महसूस कर लेता है अपने अंदर जब ये गुनाह इंसान से सरजत होते हैं तो फिर उसकी वजह खुदा से खुदांद तबारक व तारा की राहमत से इंसान दूर हो जाता है इसी तरह नींद जो इंसान के लिए उम्र की तज़ी का बास है उसमें कमी वाक़ होती है जिसकी वजह से इंसान बहुत सारे कमाल तक पहुँच सकता है चूँकि जितना काम ज़्यादा करेगा जितनी इबादत ज़्यादा करेगा इतना इंसान का मकाम खुदा के पास इतना ही बुलंद होगा यहीं रोज़ा इंसान को इबादत करने पे उबारती है इबादत का शौक़ दिलाती है जिस तरह तफसी कल आपकी खदमत में बयान हुआ यही रोज़ा इंसान को खाने पीने से जब इंसान अपने आप को रोज़े की वजह से बचा लेता है तो बाथरूम जाने की वो इंसान को हाजत बाकी नहीं रहती है जिसमें अक्सर बेशतर इंसान का वक्त ज़ाया होता है और फिर इंसान रोज़ा रखने की वजह से माल ज़्यादा खर्च करने राय ख़ुदा में ये उसके अंदर एक किस्म की जोश और जज्बा दिलाती है रोज़ा इंसान को राय खुदा में माल खर्च करने में और एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया के लिए कारमद है वो ये रोज़ा रखने की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारी से महफूज़ रहता है और बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी रोज़े के ज़रिए से बताया गया है जदीद तबी तहकीकात और कदीम तबी तहकीकात के मुताबिक एम्साक यानी बू रहना बहुत सारी बीमारियों के इलाज का बायसे है यहाँ तक कि आपने महसूस किया होगा कि जब जानवर जिन के लिए कोई ख़ास डॉक्टर नहीं होता जब जानवर बीमार होते हैं तो वो कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं उस वक़्त तक खाना पीना छोड़ देते हैं जब तक वो सही नहीं होते ये खुद चूँकि ये खाना पीना उसके अंदर हर किस्म की गज़ाएँ इंसान के अंदर चली जाती हैं इंसान ज़ाहरी ल्ज़त की खातिर उन गजाओं को तनाव फरमाता है लेकिन उसके जो असर वज़ियाँ हैं उनके बारे में बेखबर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जाने के बाद वो अपना असर दिखाती हैं जिस तरह इंसान बोल के भी जहर खाता है तो उस जहर का एक असर वज़ी है कि इंसान को हलाक कर देते हैं हत्या कोई इंसान अल्लाह को के, के जहर का जाम पी ले तो वो भी नहीं बख्शता है तो हर खुदांद तबारक व तारा ने जो अनोकसाम की जड़ी बूटियाँ और घास पूस रखा है उसके अंदर कुछ असरात हैं वो असरात इंसान के पेट के अंदर जाने के बाद वो अपना असर दिखाती हैं जिस तरह का जिस तरीके से रिवायत में मिलता है अगर कोई बंदा हराम लकमा खाए तो ये हराम लोकमे इंसान के पेट के अंदर चले जाने के बाद जब वो खून की शक्ल में बदलता है और वो खून जब इंसान के रगों में दौड़ता दो, है तो अपना असर दिखाता है कि वो बंदा लकमे हराम जब अंदर गया फिर उसके बाद उसके ऊपर शिकावत लबी तारी होती है और फिर कोई वाज असर उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती उसके दिल से रहम का मादा ख़त्म हो जाता है इसलिए हलाल खाने की बहुत ज़्यादा ताक़ीद हुई है पाक खाने और हलाल कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है क्योंकि हराम इंसान के अंदर जाने के बाद वो लोग में हराम बन जाता है तो फिर उसके ऊपर एक मुसलमान के ऊपर जो कैफियात तारी होनी चाहिए वह उस बंदे के ऊपर वो कैफियात तारी नहीं होती हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ मसला शुगर की बीमारी का इलाज अगर कोई बंदा वाक़ा समझ ले तो इमसाक बोका रह के अपने शुगर के इलाज कर सकता है ब्लड प्रेशर के इलाज का बेहतरीन नुस्खा रोज़ा है गुर्दों की अमराज मैदे का जो अमराज है और खसन हदीस में है पैगम्बर ग्राम इस्लाम का फरमान है कि अलबतन बैतुदा यानी इंसान का पेट जो है बीमारियों का घर है हमिया दवा और हमिया जो बोका रहना है इफाक यानी अपने आप को फाके में रखना ये हर बीमारी की दवा है हदीस में और सोमो तस् हो और रोज़ा रखो सेहतमंद बन जाओ ये उस रोज़े के दुनियाई और मादी असरातें कि रूसी महकिक और दानशमंद का फरमान है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि अगर कोई बंदर रोज़ा रख लेता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो नजात पा सकता है और बहुत सारी रो बीमारी से रोकथाम कर सकता है अगर रोज़ा रख ले और तिब के बारे में जितने लोगों ने किताबें लिखी हैं कदीमी हों या जदीद हों उन्होंने अपनी इलाज के दौरान किताबों में जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज बतलाए हैं उन बीमारियों के इलाज में से इम्साक का भी जिक्र किया है इमसाक यानी रोज़ा रखना बो रहना बहुत सारी बीमारियों के इलाज जो है बो और प्यास मानवीय तरक्की के जराए भी इन्हीं रोज़ों के अंदर खुदांद तबारक व तै ने रखा है बहुत सारे इन आपकी खदमत में बयान होंगे रोज़े के जो फ़वाद हैं एक तो तबी फ़ायदे और दीगर जो मानवी फ़ायदे हैं इन मानवी मा, मानवी फवायद में से हदीस में है कि जब इमाम ज़फ़र सदकाम से शाम इब्ने हकम ने पूछा कि अब्न रसोल्ला ये रोज़ा फर्ज करने का फलसफा क्या है क्योंकि पहले दिन आपकी खिदमत मारस हुआ था कि कोई भी हुक्म खुदाबंदी बग़ैर किसी मसलहत के नहीं अगर वाजिब है तो उसके अंदर एक ऐसी मसलहत है जो खुदा अपने बंदू के लिए चाहता है उस हुक्म के अंजाम दे के वह मसलहत हासिल हो जाए और अगर कोई हराम काम है तो खुदांद तबारक का ताला देखते हैं उसके अंदर कोई मपसदा है बुराई है कोई नुकसान है जिससे अपनी बंदों को बचाने के लिए खुदा ने उस काम को हराम करा दिया है जिस तरह जूठ है जना है लिवाथ है गईबत करना है किसी माल हराम खाना ये सब के पीछे कुछ बहुत बुराइयाँ हैं जिनके ऊपर मरतगेब होकर इंसान उन बुराइयों में गिर जाता है तो इमाम जाफ़र ने नेत बयान किया फ़रत अल्लासम फ़ैस्त वफ़ी गनीफ़ीर देखिए कितना नमाज एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयास नमाज फर्श करने का फ़लसफ़ा यह था जो हज़रत अजरबीबी फ़ातिमा जहरा सलाम ने फरमाया कि खुदांद तबारक व ने नमाज फर्श इसके लिए इसलिए किया था कि इंसान के अंदर तकबर जो पाई जाती है वो मिट जाए और फिर नमाज के दौरान अमीर व गरीब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं तो उस ये एक बहुत जैसे कल ही अर्ज हुआ था कि तवाजो इंसान के अंदर एक ऐसी खसलत है जिससे खुदा वंद तबारक व ताला बहुत ज़्यादा महबूब रखते हैं और उसके मुकाबले में तकब्बर है जिससे खुदा वंद तबारक व ताला नफ़रत करते हैं तो रोज़ा भी इंसान को गरीब और अमीर के दरमियान एक जैसी जो है हालत में इंसान को ले कर आता है रोज़े में जो जिन जिन चीज़ों से इंसान को रोकना है गरीब को भी उनसे रुकना है बचना है और अमीर को भी इन चीज़ों से बचना है तो बस एक फ़लसफ़ा ये चूँकि माह रमजान में अमीर जब रोज़ा रख लेता है और रोज़े की भूख और प्यास को शिद्दत से महसूस कर लेता है तो फिर ला महाला उससे गरीब की प्यास और भूख याद आती है और नतीजे में बेतहाशा अमीर लोग माह रमज़ान मुबारक में माल खर्च कर लेते हैं जक़ात अदा करते हैं खौसा देते हैं अपने रिश्तेदारों के ऊपर माल खर्च करते हैं और हदीस में है कि मशहूर हदीस है असोम जुन्नतु मिनन्नार जहन्नम की ढाल है रोज़ा इसके मानवी फायदे उवी फ़ायदे असोम जुन्नतु मिनन्नार यानी ढाल है जहन्नम के लिए और इमाम सलाम से पूछा गया कि यह आमिरलमिन ये शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ते हैं ख़ुदा ने इसको हमारा खुला हुआ दुश्मन करार दिया है और हम बहुत सारी गुनाहों के मरतगब होते हैं बहुत सारी बुराइयों का मरतगब होते हैं तो उसके पीछे शैतान होता है हम क्या करें शैतान की शर से अपना आप को बचाएँ तो अमीरमिन ने बहुत खूबसूरत बातें बयान बाते कि उनमें से एक ये कि कुछ ऐसे काम हैं जिनके बजा लाने से शैतान को बुरी तरह शिकस्त मिलती है उनमें से सबसे पहले असोम वजह हो जब इंसान रोज़ा रख लेता है तो उस रोज़े की वजह से शैतान का चेहरा काला हो जाता है व सदका तुकसर ज़हर हो और जब इंसान सदका देता दे है तो उसकी कमर टूट जाती है शैतान की वब्बिल्ला वमाजबा अलमली साल यकतर हो खुदा के लिए किसी के साथ मोहब्बत करना खुदा के लिए किसी से दुश्मनी करना और अमल साल पर कार्बन रहना ये वो काम है जिससे शैतान की नस्ल तबाह हो जाती है शैतान बर्बाद हो जाता है और ख़ुद शैतान ने भी इन आमाल के मुकाबले में अपने अज और इनकारे काजहार किया है उस वक़्त जब खुदा खुदांद तबारक व के उस नाजिल करद किताब कुरान मजीद की शरासुफ़ के अंदर खुदा खुदांद तबारक व फरमाता है कि लक़द हमद बिही व वम बिहा लउला बुरहान रबिही कदा लिकल नफहशाह उस मखसूस कमरे के अंदर जब यूसुफ और जोलेखा को तन्हाई में शैतान ने देखा तो वहाँ पे शैतान हाजिर हुआ और फिर उस खातून ने हम मत भी ही अपनी उस शैतानी ख्याल को आमली जामा पहनाने के लिए जनाब यूसुफ से फैले बद का मरतकब करवाने के लिए हमला किया हम्म का एक माना जो है हमले का है और एक इरादे का आया है या इरादा किया या उसकी तरफ हमला किया और उसके कहते तो वह हम भी हा यूसुफ़ असल्लाम भी उसके ऊपर हमला करता लुरहान रब कि अगर वो अपने रब की निशानी न देखते तो शायद वो भी उसके ऊपर हमलावर होते लेकिन चूँकि ख़ुदा की निशानी वहाँ पर जाहिर हुई और ज़ाहिर होने के बाद जनाब यूसुफ्सफ़राम से महफूज रहे तो खुदा कहता है ये यूसुफ़ का कमाल नहीं है कदा लिकल न सिर्फ अनुसुआल्फाशा हमने यूसुफ से बुराई और फाहशा को दूर कर दिया अपनी तरफ नस्बत देता है हमने यूसुफ़ से बुराई और फाहशा को दूर कर दिया अब खुदांद तबारक व तला से हम पूछते हैं परवादगारा ये सब भी आपका बंद हम भी आपके बंदे परवादगारा ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें भी जब गुनाहों से इसी तरह दो चार हों जो आज का माहौल ऐसा बना है कि आलमी मीडिया और माहौल और फिर वो इस्तबारी ताकतें मुसलमानों को ज़ाय करने के लिए दीन से और तलेमाते इस्लामी से दूर रखने के लिए जो इन्होंने हथकंडे और हेले इस्तेमाल किए उनमें से एक यही है कि नौजवान नस्ल को जिनसी इहराफात की तरफ ले जाना तो ऐसे मौक़े परवरदि रहा क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप हमारे जवानों को भी इसी तरीके से बचाए इन फाशा और मुनकरात से जिस तरीक़े से आपने यूसुफ्लम को बचाया तो खुदा खुदांद तबारक व ताली की तरफ से अरसात है इन नबादिन हमने यूसुफ़ को इसलिए बचाया है कि चूंकि वो मेरे मुखलिस बंदों में से है अब भी अगर कोई बंदा अखलास के साथ कोई नेक अमल बजा लाता है तो उसके लिए वहीं सलूक होगा जो सलूक अलैहिस्सलाम के साथ हुआ अब मुश्किल ये है कि हमारे अंदर वो अखलास की कमी है जो अखिला अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती थी दीगर अनबिया के आलम के अंदर जो अखलास पाया जाता था अवलियाल्ला के अंदर जो अखलास पाया जाता था और जिसकी वजह से अब कुरान मजीद कहता है सलातना आनिलफाशाह वालमुनकर नमाज़ फाशाह और मुनकर से इंसान को रोकता है इसी तरह रोज़ा भी इंसान को फाहशा और मुनकरात से रोकता है इसी माह रमजान के दौरान वो दिन में जो फ्वाहशा और मुनकरात के मरतकब होने का अगर रेशो देखा जाए तो शायद यानी सत्तर अस्सी फीसद कम होगा पूरी दुनिया से रोज़ा रखने वालों की नस्बत ये रोज़ा भी इंसान को फ्वाहशा और मुनकर से रोकता है लेकिन अगर अखलास के साथ ये अमल बजा लाया जाए तो शैतान कहते भभी तो का लगवी अजमाइन अल्ला इबाद का मिनहलसिन पर दिगारा में तेरी इज़्ज़त की कसम खाई कहता हूँ तेरे सब बंदों को अगवा कर लूँगा उन्हें बेरा रवी से दो चार कर दूँगा तेरी मुखालिफत की तरफ उन्हें उबार लूँगा इबाद का साल सिवाय उन बंदू के जो साल हैं और नेक हैं और मुखलिस है। सिवाय वो बंदे जो मुखलिस हैं उन मुखलिस बंदों के ऊपर मेरा कोई हथकंडे नहीं चलता अब कोई बंदर रोज़े में इखलास के साथ रोज़ा रखे इसमें रिया का अनसर ना हो इसमें कोई और दुनियावी गरज मरज ना हो तो इंसान को शैतान की शर से शैतान की नस्ल से इंसान को बचा लेता है और फरमाते हैं वल इस्तिग़फ़ार यक्तो वती माह रमज़ान के दौरान अगर कोई बंदा खुदा वंद तबारक व ताला से अपने गुनाहों की मगफ़रत तलब करे तो उसकी शहरक कट जाती है शैतान की क्योंकि शैतान इंसान को गुनाहों में मुबला कर देता है बड़ी मेहनत और जहमत करने के बाद और जब बंदा इस्तार कर लेता है जिस तरीके से इसी माह रमजान या हर साल के आखिरी दिन दो रकम नमाज़ पढ़ना होता है उस दो रकत नमाज पढ़ने के बाद इंसान जब खुदांद तबारक व तला से अपनी साल भर की निकियों पे शिक्र बजा लाता है और अपने बुराइयों पे खुदा से माफी चाहता है एतराब करने के बाद इस्तफार कर लेता है तो शैतान चीख चीख के पुकारता है वाह वाह मुसीबत में बर्बाद हुआ मेरे साल भर की मेहनत जाय हुई इस बंदे ने दो रकात नमाज पढ़ के खुदा की तरफ वजू करके मैंने जो जहमत की थी वो सारा इसने बर्बाद कर दिया अब इंसान सिर्फ और सिर्फ़ इसतगफ़ार कर ले तो ये इस्तफार से इसका नस्ल बर्बाद हो जाती है इसके शहरक टूट जाती है और फरमाते हैं वस्याम इबिलाबिला खुदांद तबारक व तैयार ने भी ये रोज़े फ़र्ज किए हैं इसका एक फ़लसफा ये है कि वो अपने बंदों की अखलास को आजमाना चाहते हैं कि मेरे बंदे किस हद तक अखलास बजा लाते हैं जो रिवायत में मिलता है रोज़ा वो वाहिद अमल है जिस अमल में रिया का कोई शाइबा नहीं है अगर इंसान बग़ैर रिया के कोई अमल बजा लाना चाह सक चाहता है तो वो रोज़ा रख ले चूँकि रोज़े के दौरान किसी इंसान को पता नहीं चलता है कि वो रोज़े से है या नहीं है और फिर अपने आप को ज़ाहिर भी न कर दे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ये शैतान ही होता है जो हमें हमारे अमल को बर्बाद करने के लिए हमें वे उस तरफ लेके जाता है कि हमसे अखलास को छीन ले।, ले लेकिन इंसान सुबह उठने के बाद कोई सहरी खाना भी ज़रूरी नहीं है बस नियत कर ले मैं आज रोज़ा रखता हूँ क़रबल्ला और दिन भर घर वालों को भी ना बता दे इफ्तार के टाइम पे भी इफ़ारी का अहमाम या लड़ाई झगड़ा फिदना फसाद घर पे बरपा न कर दे और बहुत सारे दस्तरखान में चीज़ों को जमा करके आजान के इंतज़ार में न रहे बल्कि उस तरीके से रूटीन के मुताबिक जो दिन भर जब रोज़ा नहीं रखता जो रूटीन है उसी रूटीन के साथ अगर वो रोज़ा रख लेता है तो खुदा शायद ये वो रोज़ा है जिसके बारे में खुदा वंद तबारक व ताला इमाम जाफ़र सदक असल्लाम से रिवायत है ख़ुदांद तबारक व ताला फरमाता असोमुल्ली वाना उजी अलही रोज़म मेरे लिए होता है और रोज़े का अजर मैं ही देता हूँ मेरा कोई नहीं दे सकता है इतना अजर सवाब रोज़े के लिए खुदा वंद तबारक व ताला ने रखा है जिसका अजर वब खुदा के अलावा कोई शुमार नहीं कर सकता है चूँकि इस रोज़े के अंदर ये कैफ़ियत बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि इंसान अखलास के साथ ये रोज़ा रख ले तो खुदांद तबारक व ताला ने इस रोज़े के ज़रिए से इंसान की गुनाहों की मक़फ़रत का सामान करना और वो जो फवाद हैं इन सारे फ़वाद थे इस फवायद की खातिर खुदा वंद तबारक व ताली ने तो यही इनाम से नवाजा है आए ऐसा हो सकता है हम कहते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में खुदा के मेहमान हैं और ऐसा हो सकता है कोई इंसान किसी को अपने मेहमानी में बुलाए और बुलाने के बाद उसे खाना ना दे ये कैसी मेहमानी है और उसको कोई भी अपने आप को मेहमान तस्वर नहीं करेगा बल्कि नाराज़गी का इजहार करेगा भाई हमें खाने पे बुलाए और अभी खाना नहीं पेश कर रहे हो या कोई मुख्तर और मामूली खाना पेश करे तो भी मेहमान के माथे पे बल आ जाता है कि इन्हें न बुलाया इतने दूर से हम आएँ और ये खाना मख्तसर सा लेकिन खुदा वंद तबारक व तौल ने माह रमज़ान में अपने दस्तरखान खान पर बुला के हमें बोखा रहने का हुक्म देते हैं कि तुम इस माह रमज़ान में न कुछ खाना है न कुछ पीना है और फिर इफतारी भी मख्तसर करना है शहरी भी मख्तसर करना है और ख़ुद खुदा तबारक व तै अपने हबीब से कहता है यहामद माह मराज सोम सोम का क्या है आप जानते हो कहा नहीं जानता कहा मेरा से सोम यह है कि इंसान कम खाए और कम बोले अब ये कैसे मेहमानी है खुदांद तबारक व तारा से हम पूछते हैं तो खुदा कहता है यही फवाद हैं बुक और प्यास में इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये फवाद आपको मिल जाए मेरे दस्तर खान में आप सिर्फ मादी निगाह से क्यों देखते हैं मानवी तौर पर देखें कि आप मेरे दरखान दर, दस्तर खान पर आएंगे तो ये सारे जो हादिस में आपकी खिदमत में रोज़े के फ़वाद बयान हुए यही फवाहद की खातिर खुदांद तबारक व ताली हमें माह रमज़ान में बोकर रहने का हुक्म देता है वही जैसा राज़ करीम मेज़बान जो इंसान को अपने पास बुलाए और खाने के से हमें रोक ले ये नहीं हो सकता है सिर्फ़ इसलिए कि जो रोज़ा रखने के फ़वाद हैं वो फायद वो जानता है बंदा नहीं जानता है लिहाजा इंसान कभी रोज़ा रखने में सुस्ती का मुजाहरा करता है और बस अवकात बहुत सारे रोज़दार ऐसे हैं मैं न चढ़ाते हैं रोज़ा अपने लिए बड़ा समझते हैं माह रमज़ान आने के बाद बहुत सारे लोग हेले हरबे ढूँढते हैं कि मैं बीमार हूँ डॉक्टर ने मुझसे कहा है मैं इतने तीन वक्त की दवाई खाता हूँ अगर न खाऊँ तो मेरे लिए मुश्किल है गुर्दे का मसला है शुगर का मसला है ये बहुत सारे भीले बहाने भाई खुदा ने रोजा आपके लिए आपकी दुनिया के लिए आपकी और सलामती के लिए आपके फ़ायदे के लिए दुनियावी उवी फायदे के लिए खुदा ने आपके लिए रोज़ा रखा आप अपने आप क्यों तो आप इतनी खुदा की तरफ से इतनी नामतें और नियामतें पर आप अपने आप को क्यों दूर रखते हो तो खुदांद तबारक वाली का यह फ़लसफा भी इंसान को इन फ़वाद रोज़ा रखने के फवायद से इंसान को जब आगाही होती है तो खुद बहुत इंसान को इस बात का इलम होता है कि वाकई खुदा कितना करीम है मेहरबान है अपने बंदु के ऊपर किस तरीके से अपने बंदू को नवाजता है मजबूर करके नवाजता है और खुदा खुदांद तबारक व ताली ने जो इनायतें की हैं इन इनायतों में से ये एक अपने बंदू के ऊपर इनायत की है कि माह रमज़ान के रोज़े भी फर्ज किए हैं न सिर्फ़ माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं बल्कि खुदा के तह कोशिश करो माह रजब में भी मैं रोज़ा रखो माह शाबान में भी रोज़ा रखो और यही खुदा के जानशीनों की तरफ से इतने साल में चार दिन रोज़े के लिए मखसूस हैं जिन दिनों में इंसान रोज़ा रख लेता है तो सत्तर सत्तर साल की इबादत से अफजल एक रोज़ा सत्तर साल की इबादत से अफजल हर महीने की पहली जमरत दरमिया बुत और आखिरी जुमरत को रोज़ा रखने का जो पाबंद होगा वो बंद कल क़्यामत के दिन जब खुदा के दरगाह में हाजिर होगा तो उस हाल में हाजिर होगा कि उसको दायमसोम के साथ रखा जाएगा मशहूर किया जाएगा जिन अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं उन लोगों के साथ उनका हशर नशर होगा जन्नत में एक मखसूस दरवाज़ा है जिस दरवाज़े का एक मखसूस नाम है उस दरवाजे के अंदर कल क़्यामत के दिन सिर्फ वो लोग दाखिल होंगे जो साइम होंगे रोज़ेदार होंगे वो दाखिल होंगे रोज़ेदारों के अलावा उस दरवाजे की अंदर जाके जन्नत की न्यामतों से इस्तेफादा कोई नहीं कर सकते हैं तो अब इंसान को समझ में आए कि जिस तरीके से अगर कोई इंसान के अंदर जिसम में अंदरूनी कोई फोड़ा या कोई कैंसर या कोई और बीमारी मस हार्ट में इंसान मुबतला है तो डॉक्टर ऑपरेशन कर लेता है बेज़ाहिर वाकई बहुत मुश्किल है ऑपरेशन अपने सीना को चाक करवाना अपने खून को निकलवाना और अपने पैसे खर्च करना लेकिन जब इंसान इस डॉक्टर के सामने अपने आप को बेबस करके उसे पैसे दे के ऑपरेशन करवा लेता है तो उसके बाद जो सेहत सलामती जो लख्श ज़िंदगी उससे मैसर होती है उसके मुकाबले में ये जहमतें कुछ नहीं होती इसी तरह माह रमज़ान में खुदा हमारा वो अप्रेशन करवाना चाहता है कि इस अप्रेशन के ज़रिए से खुदा उन तबारक ताला हमें उन नाम से न्यामत से नवाजना चाहता है जो नाम का तस्करा कुछ यहाँ पर बयान हुए और बाकी मंदिर इन शह आप किताबों में पढ़ेंगे और वहाँ की तकारे सुनेंगे तो आप उससे भी आगाह होंगे तो माह रमजान में जैसा आरस हुआ था कि खाने और पीने से इजतनाभ करना है इन खाने और पीने से इजतनाब करने का मतलब ये है कि इंसान के हलक के अंदर कोई चीज़ न जाए ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ खाने पीने से हो जैसे रोटी है खाना है चाय है पानी है या उन चीज़ों से ताल्लुक़ हो जो आम तौर पर नहीं खाई पी जाती हैं जैसे मसला मिट्टी अगर कोई मिट्टी खाने वाली चीज़ नहीं है लेकिन खा ले तो भी इंसान के हलक से उतरने के बाद रोज़ा बातिल हो जाता है कम हो या ज़्यादा हो जायज़ हो या ना जाइस हो हलाल हो या हराम हो कोई भी चीज़ माह रमज़ान में रोज़े के दौरान आमदन अपने हलक से उतार ले तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है न सिर्फ बातिल हो जाता है फिर उसके ऊपर कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है इसी तरीके से अगर कोई इंसान बोल चूक के साथ माह रमज़ान के दौरान कोई चीज़ खा ले, खाने वाली चीज़ों में से या न खाने वाली चीज़ों में से कम खाए या ज़्यादा खाए, यहाँ तक चूँकि ये माह रमज़ान के इब्तायी दिनों में ये हालात पेश आते हैं इंसान के ऊपर चूँकि आदत नहीं होती है तो खाने की आदत होती है तो सबका आदत के मुताबिक इंसान कुछ चीज़ें बोल चूक से खाता पीता है तो हुक्म ये है बोल चूक के साथ कोई चीज़ खाए पी जाए और उस वक्त उसकी तवज्जो ना हो कि वो रोज़े से है तो जितना खाए पिए पेट भर के खाए पिए अपनी प्यास बुझाए और बाद में उसे याद आ जाए तो उसका रोज़ा उसी तरह बाकी है जिस तरह खाने पीने से पहले बाकी था भूल चूक के साथ खाने पीने से रोज़ा बातिल नहीं होता है हाँ खाने पीने से फारग होने के बाद याद आए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अब मजिद और कुछ ना खाएं आपका रोज़ा दुरुस्त सद दर सत दरस् खाने पीने के दौरान याद आए खा रहा था मुंह के अंदर लुकमा था या पानी मुंह में था याद आए कि हाँ मैं तो रोजे से था अब निगलना नहीं अगर निगल ले इंसान तो फिर रोज़ा बातिल होगा अगर ऊंडेल दे मुंह से थूक दे तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा दुरुस्त है लिहाजा बहुत सारे मोमिन जो मसाइले शरीय से आगा नहीं हैं वो इस गलती के मरतगिब होते हैं कि गलती से मैंने खा लिया बस खा लिया उसके बाद खाना शुरू करते हैं जो गलती से खा लिया उसकी वजह से तो रोज़ा बातिल नहीं हुआ लेकिन बाद में जो आमदन आपने खा लिया उसकी वजह से रोज़ा बतिल हो जाता है लिहाजा इस मसले से आपको बाखबर रहना है दूसरा मसला जो माह रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा पेश आता है इंजेक्शन लगाने का ड्रिप लगाने का या कोई और सोई लगाने का तो इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं इंजेक्शन लग गया मेरा रोज़ा ख़त्म हो नहीं इंजेक्शन लगाना ड्रिप चढ़ाना चाहे वो इंसान की तकवीत के लिए हो तब भी उससे रोज़ा वातिल नहीं होता सिर्फ हलक के अंदर से कोई चीज़ उतरती है मुंह के ज़रिए से तो फिर उस सूरत में उसका रोज़ा बातिल होता है अगर कोई आँख में दवा डाल दे कान में दवा डाल दे नाक में दवा डाल दे वो हलक तक पहुँच जाए तब भी रोज़ा बातिल नहीं होता है सिर्फ आमदन कोई शख्स रोज़े को बातिल करने के लिए या भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए खाए पिए तो उसका रोज़ा बतिल होता है और फिर एहतियात की हद यहाँ तक इंसान को कर लेनी चाहिए कि माह रमज़ान के दौरान मिसवाक करना मकरू है अगर कोई बंदा मिसवाक कर ले कराहत का मरतब हो जाए खुशक लकड़ी से मिसवाक करे और फिर उसी मिसवाक के दौरान अगर उस खुशक लकड़ी के ज़र्रात मुँह के अंदर चले जाएँ उससे रोज़ा बातिल होता है या गीली लकड़ी से रु... इंसान मिसवाक कर ले या बुरश से गीला बुरश से मिसवाक कर ले या खुशक बुरश से मिसवाक कर ले और मिसवाक के दौरान बुरश को बाहर निकाल के दोबारा अंदर ले जाए और जो तरी मुँह में आई है वो तरी इंसान निकल ले तो उससे भी बातिल होता है इसी तरह अगर इंसान रात को शहरी के वक्त खाना खा ले मिसवाक किए बग़ैर खलाल किए बगैर दांतों से रोटी और गोश के टुकड़े जो फंसे हुए हैं उसको साफ़ किए बग़ैर दिन को रोज़ा रखे और रोज़े के दौरान ये दांत से कोई टुकड़ा रोटी का गोश्त का निकल के मुंह पे आ जाए और इंसान निकल ले उसके उससे भी रोजा बातिल होता है आमदन निकल ले तो उससे रोज़ा बातिल होता है मस रोजे रोज़े में नमाज के दौरान ऐसा होता है जब इंसान नमाज मसल् के ऊपर होता है या मस्जिद में होता है तो ऐसी सूरत में दांतों में फंसे हुए रोटी और खाने के टुकड़े जब मुंह में आ जाते हैं तो वो थूक नहीं सकते है निगल लेता है उससे रोज़ा बातिल हो जाता है इसी तरह इंसान अगर बीमारी की हालत में इंजेक्शन लगाए तो रोज़ा नहीं टूटता लेकिन दवाई इस्तेमाल करे शरबत पी ले या कोई गोली इस्तेमाल करे खा ले तो उससे रोज़ा बातिल होता है लेकिन इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाने से रोज़ा नहीं बातिल होता है एक स्प्रे हो जो अमूम जो दमे के मुबतला है मरस में वो एक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं जब उसकी सांस रुक जाती है तो वो स्प्रे मुंह में कर लेते हैं उससे सांस खुल जाती है इस स्प्रे की वजह से भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है स्प्रे के अंदर सिर्फ हवा है कोई ज़र्रात वगैरह नहीं है हवा मुंह में चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं बातिल होता है गाढ़ा गुब्बार चला जाए तो उससे इंसान का रोज़ा बातिल हो जाता है और अक्सर वेशतर जो ताज़ा नौजवान रोजे रखते हैं या लड़कियाँ रोजे रखते हैं दिन भर थूकते रहते हैं थूकते रहते हैं हालांकि थूकते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई पानी इंसान मुंह में गरगरा करने के लिए मुंह में डाल दे तो उसकी तरी मुंह के अंदर नहीं चलने नहीं जाने देना है उसको थूकते रहना है लेकिन मुंह के अंदर अपना जो पानी है मुंह का तभी जो इंसान के मुंह हमेशा तर रहता है या कोई तुरुष चीज़ के ख्याल से या कोई तुरुष खट्टी चीज़ को देख के या कोई ताम को देख के या सुन के उसके मुंह में पानी आ जाए तो ये पानी भी आमदन निकल ले तो उससे रोज़ा नहीं बातिल होता है थूकते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से रोज़े के दौरान ज़्यादा खाने की वजह से मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से या तेल की चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से इंसान के, के मुंह में ज़्यादातर बलगम आ जाते हैं या जुकाम की बीमारी में कोई मुबतला हो उससे बलगम ज़्यादा आ जाए आया बलगम के निकलने से रोज़ाबातिल होता है नहीं होता है अगर बलगम मुंह की फ़जा में आ जाए मसंद दिमाग से या अंदर से गले से निकल के मुँह में फ़जा में आए इंसान थोकना चाहे थोक सकता है अपने जेब से रुमाल निकाल के टिशू निकाल के अपने मुँह में मुंह में से साफ़ कर सकता है लेकिन उसके बावजूद अगर वो निकल ले तो एहतियात मस्त है उससे थोक दिया जाए सिस्तानी के फतवे के मुताबिक लेकिन रहबर के फतवे और दिगर मराजी के फतवे के मुताबिक मुंह के फज़ा में आने के बाद फिर तो से निकलने से रोज़ा रोज़ाबातिल हो सकता है लिहाजा बलगम जो है मुँह में आने के बाद उसको तो थोक दिया जाए वापस नगलना नहीं चाहिए जिससे रोज़ा बाज़ मुश्तिन के मुताबिक बातिल हो सकता है तो ये कुछ वो मसाइल थे जो रोज़े को बातिल कर देते थे खाने पीने की तो इन शह बाकी मानद बातें जो हैं आने वाले या मैं इनशाला बयान होंगे खुदा खुदांद तबारक व तला से दुआगो हूँ परम हमारे इस रहामत को बरदरान की मेहनत और कोशिश को अपने दरगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ और ये दुरुस्त हमारे लिए खुदा दुनिया आखरत के लिए ज़ख़ी का आदे और तमाम ममिन को मुसलमानों को माह रमज़ान के एहतराम के साथ रोज़ा रखने की तोफ़ी का तहफर मे असल वरह वरक